जो सबसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है मैनेज करने की वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्योंकि इसका कंट्रोल इसकी जो ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है हो सकता है कि वो लोकल गवर्नमेंट हो स्थानीय लेवल पर या स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो इसके डिसीजन इसकी जो कार्य रूप होता है फॉर्म कह लीजिए कंटेंट कह लीजिए बजट कह लीजिए सारी चीजें गवर्नमेंट की देखरेख में ही रेडी किए जाते हैं तो मतलब कहने का क्या है मैनेजमेंट कंट्रोल सारा गवर्नमेंट के अंडर से होता है और गवर्नमेंट के अंडर में भी अगर हम बात करें जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उसके अंडर से होता है उसके थ्रू होता है कैसे एग्जाम्पल देखते हैं इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ये एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ये किसके अंडर में काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉम्युनिकेशन कह लीजिए कि कम्युनिकेशन का एक मंत्रालय है इस मंत्रालय के थ्रू इसको डील किया जाता है इसी तरह से इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में कंट्रोल होता है मतलब ये मिनिस्ट्री इसको हैंडल करती है तो यही बात यहां पर कहा जा रहा था कि मैनेजमेंट और कंट्रोल जो इस प्रकार के अंडरटेकिंग्स का होता है वो कंसर्न मिनिस्ट्री के थ्रू ही होता है तो डिपार्टमेंटल जो सेक्रेटरी होता है वो इसका सीईओ होता है सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नेक्स्ट हमारी बात है ये सीईओ किसके अंडर में काम करता है मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है मिनिस्ट्री की गाइडेंस में और मिनिस्ट्री के अंडर में ही ये डिपार्टमेंट को कंट्रोल भी करता है मतलब सीईओ अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं लेगा वो कैसे डिसीजन लेगा मिनिस्ट्री के दिए हुए डिसीजन उन्हीं की गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही वो काम करता है हर साल इस प्रकार की अंडरटेकिंग का बजट बनता है बजट को गवर्नमेंट अप्रूव करती है और उसी के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना होता है हर साल इसकी रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है कहा पार्लियामेंट में या कह लीजिए स्टेट असेंबली में हर साल इसकी रिपोर्ट भी प्रेजेंट की जाती है कि काम कैसा चल रहा है सक्सेसफुल हम हो रहे हैं या नहीं हो रहे तो मतलब कहने का क्या है कि जो मिनिस्टर है डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या कह लीजिए कि कि ही इज़ द अकाउंटेबल मतलब उसको के अंदर जवाब देना होता है डिपार्टमेंट कैसा चल रहा है कितना घाटा हो रहा है कितना प्रॉफिट हम कमा रहे हैं सारी बातें उसे जवाब में बतानी होती हैं तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए मतलब समझ लीजिए लोगों की भलाई करने के लिए इस प्रकार के डिपार्टमेंट की स्थापना की जाती है तो कुछ एग्जाम्पल और भी हैं जो इस प्रकार के द दूरदर्शन द टेलीफोन वैसे ही एग्जाम्पल हैं जैसे एग्जाम्पल मैंने यहां पे आपको दो दिए हैं तो डेफिनेटली ये पब्लिक इंटरप्राइजेस की सबसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है क्योंकि ये बहुत इजीली मैनेज हो जाती है इसको कंट्रोल करने की पावर गवर्नमेंट के पास होती है बजट भी गवर्नमेंट प्रूव करती है रिपोर्ट हमको प्रेजेंट करनी होती है पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में जो भी डिपार्टमेंट से लेकर जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री होगा जो मिनिस्टर होगा उसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसी को ही जवाब देना होता है तो गवर्नमेंट कंपनी सिंपली सी बात जिसमें 51 परसेंट पेड अप कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है या स्टेट गवर्नमेंट की या दोनों की मिलाकर या ये कह सकते हैं कि कुछ स्टेट की गवर्नमेंट्स मतलब अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट्स मिलाकर भी पेड अप कैपिटल में हिस्सा डाल सकती हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स काफी सारी मिलाकर भी फिफ्टी शेयर की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने मतलब जो पेड अप कैपिटल फिफ्टी की मैं बात कर रहा हूं इसमें हिस्सा गवर्नमेंट का डिस्कस कर रहे हैं हम मतलब या तो 51% परसेंट अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट का या अकेला स्टेट गवर्नमेंट का या दोनों का मिलाकर या बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स का मिलाकर मतलब किसी भी फॉर्म में 51% पेड़ अप कैपिटल डेफिनेटली गवर्नमेंट की होनी बहुत जरूरी है तभी हम उसको कह सकते हैं कि दैट इज गवर्नमेंट कंपनी तब हम उसको कह सकते हैं कि वो एक सरकारी कंपनी है तो सिंपल सी बात है कि इसमें गवर्नमेंट का मेजर शेयर होल्डर होना लाजमी सी बात है क्योंकि आप ये देखिए कि मैक्सिमम पैसा किसका लगा हुआ है गवर्नमेंट का लगा हुआ है तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन हुआ गवर्नमेंट हुई तो गवर्नमेंट्स के पास हम कह सकते हैं कि सबसे मेन डिसीजन पावर होती है सारे राइट्स का यूज करना सारे राइट्स को कैसे यूज करती है उसको यूज करने के लिए मीडियम क्या होता है कंसर्नड मिनिस्ट्री कैबिनेट या हेड ऑफ स्टेट इनके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है अपने शेयर होल्डर्स के राइट right का प्रयोग करती है क्योंकि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट सबसे बड़ी शेयर होल्डर होती है तो गवर्नमेंट अगर अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहती है तो इन मीडियम्स के थ्रू अपने अधिकारों का प्रयोग वो कर सकती है फिर हमारी बात आती है कि अगर लोकल गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन 51% परसेंट या उससे ज्यादा कैपिटल के अंदर शेयर खरीद लेती है या शेयर हासिल कर लेती है तो हम उसको गवर्नमेंट कंपनी नहीं कह सकते क्योंकि मैंने आपको टॉपिक के स्टार्टिंग में यह बात बताई कि अप कैपिटल का 51% परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास होना बहुत जरूरी है इसीलिए अगर गवर्नमेंट कंपनी के अंदर लोकल गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन ने 51% परसेंट या उससे ज्यादा हिस्सा हासिल कर लिया है तो वो अब गवर्नमेंट कंपनी नहीं मानी जाएगी जैसा कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमें जो भी कंपनीज बनानी होती हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 1956 जो कि अब 2013 बन चुका है इसी तरह से पब्लिक कंपनीज का रजिस्ट्रेशन भी हमें कराना होता है उसके लिए भी कंपनीज एक्ट 1956 जो कि अब 2013 बन चुका है इसी के अकॉर्डिंग इसी के अंडर हमने रजिस्ट्रेशन करवाना होता है फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है कि गवर्नमेंट कंपनी का क्या मीनिंग है सिंपली सी बात पेड़ अप कैपिटल का 51% परसेंट गवर्नमेंट का होना चाहिए अगर लोकल गवर्नमेंट या कोई कॉरपोरेशन 51 परसेंट या उससे ज्यादा हिस्सा कैपिटल में ले लेती है उसमें डाल देती है कैपिटल में हिस्सा तो हम उसको गवर्नमेंट कंपनी नहीं मानेंगे रजिस्ट्रेशन सिंपल इसी बात कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा